नमस्कार। आज एक नया विषय जिसका सरोकार, जिसका संबंध सभी 12 राशियों से तो है ही, साथ ही साथ सभी लग्न और उन सब का संबंध है जिनकी राहु की दशा या गोचर ग्रहों के आधार पर जिनको राहु प्रताड़ित, टॉर्चर करता है या अशांत, या फिर जिन लोगों को ये भ्रम है कि राहु हमें कष्ट दे रहा है, उनके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि कई हजार लोग भारत से बाहर रह रहे हों, चाहे भारत में हों, उन सब की शंका का निवारण का एक प्रयोग हम करने जा रहे हैं। राहु के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा ट्रांजिट मोशन और महादशाओं से रिलेटेड अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, इसके अलावा पीरियड और सब पीरियड जिसको कहा जाता है, और गोचर में अथवा कुंडली में निर्धारित उस ग्रह का क्या इफेक्ट होगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। राहु इस बात के लिए जाना जाता है कि कष्ट देता है, भ्रम उत्पन्न करता है, आशंकित करता है। पहले इसके स्वभाव को समझें, धीरे धीरे मैं उन सब बातों पर आऊंगा जो आपसे संबंधित है, आपसे रिलेटेड है, चाहे वो सिंह राशि हो या मीन हो या मेष राशि हो, धनु हो या कुंभ हो या मकर हो, कन्या हो या स्वयं मीन राशि हो, क्योंकि इस ग्रह की शैडो जो छाया है या इसका दुष्प्रभाव है सभी पर पड़ता है। कहीं सकारात्मक फल देगा तो कैसे देगा, उस बात पर भी सुनना आवश्यक है। तो मैं शुरू करता हूं राहु के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण और उपाय। जिस राशि पर राहु रहता है उस राशि का फल देता है। अब कैसा फल देगा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जैसा उस ग्रह की पोजीशन होती है कुंडली में उसके अनुकूल फल देता है। यानी कि आप ऐसा समझिए, आजकल लोग गरीब को कोई दान नहीं देता, अगर बहुत धनवान होता है तो उसके यहाँ शादी विवाह या किसी फंक्शन में बड़ा लिफाफा देते हैं कि नहीं बड़ा आदमी है उसको तो ज्यादा बड़ा लिफाफा दो दान करने में। ठीक राहु का यही है, मायावी है, छल कपट और दिखावा। इस संसार के अकॉर्डिंग आज के समय में दिखावट, सजावट और बनावट ज्यादा है, तो यही काम करता है राहु। देखिए लिखा है, बसे बुराई जासू तन, वाही को सम्मान भलो भलो करी छाड़िए, खोट ग्रह व्रत दान। कोई बुध और शुक्र की पूजा, चंद्रमा की उपासना बहुत कम करते हैं लोग बाग, ज्यादा राहु का उपाय। काल सर्प दोष होता है क्योंकि उसके कारण शनि की, मंगल की पूजा लगे पड़े हैं लोग बाग, क्योंकि डर लग रहा है, क्योंकि ये जो पाप ग्रह हैं ये अशांति और अपना भय और अपना तांडव, अपने उपद्रव करते हैं। तो आइए, राहु जिस राशि पर रहता है वैसे ही प्रभाव डालता है। निर्भर ये करता है कि उस राशि का स्वामी दुर्बल तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। अभी मैं धीरे धीरे राशियों पर भी आ रहा हूं, धैर्य से सुनिए आप। अब उसके बाद वो ग्रह अगर बलवान है, शक्तिशाली है कुंडली में, तो राहु उसको अच्छे परिणाम देगा। राहु अपनी अपनी तरफ से कोई खगोलीय पिंड नहीं है, ये चलती फिरती एक छाया है। आप ये समझिए जैसे क्लाउड होते हैं ना, बादल जैसे, हवा, धुआं, एक ब्राउन कलर का धुआं है राहु। जरा सी कोई तेज हवा आई उस झोंके को उड़ा करके ले जाता है ये, जैसे बादलों को। ठीक इसी प्रकार ये अस्तित्वहीन है और
मजे की बात यह है कि इनका जो नेचर है, बिहेवियर पैटर्न है, वो जस्ट अपोजिट है अन्य सभी सात ग्रहों के अलावा। सब ग्रह चलेंगे कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, और ये चलेंगे क्लॉकवाइज, अपोजिट, उल्टा काम है। इसीलिए हर पंचांग में लिखा रहता है राहु और केतु के नीचे व लिखा रहता है। व का मतलब वक्री, ये तो रेट्रोग्रेड चलते रहेंगे। बाकी सभी ग्रह समय समय पर कुछ समय के लिए वक्री होते हैं, अन्यथा सभी मार्गी होते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं उनको ज्योतिष की भाषा में। अब ये खगोलीय पिंड नहीं है जैसे और सबके अस्तित्व हैं। कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि कोई ग्रह उपग्रह जैसे सैटेलाइट छोड़ दें कि राहु के ऊपर कोई हमने एक को छोड़ा है उपग्रह और वो वहां जाकर के वहां स्थापित होगा और वहां से मौसम की जानकारी देगा? नहीं, राहु ग्रह पिंड नहीं है, छाया मात्र है, और इस छाया मात्र के जो प्रभाव है ये बिल्कुल एकदम निर्मूल है और ये उसी प्रकार के एक्शन रिएक्शन देते हैं जैसा कि जो ग्रह है। राहु जब अष्टम भाव में बैठता है तो क्या कराता है? देखिए, अष्टम की बात कर रहे हैं हम, आज की तारीख में सिंह के ऊपर अष्टम चल रहा है और मीन राशि पर भी चल रहा है। इन दो को तो विशेष रूप से आशंकित करता ही करता है। धनु राशि के चतुर्थ भाव में है तो छाया छोड़ रहा है, अपनी छाया व्यर्थ की। इन चार राशियों को खासतौर से मेष, मीन, सिंह और धनु बैठे बैठे निर्मूल आशंकाएं घर में सपने संजो रहे हैं। कहीं वो आदमी मेरे खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, कहीं वो मुझे मार तो नहीं देगा, कहीं वो मुझे हानि तो नहीं पहुंचाएगा, वो मेरी चुगली तो नहीं करेगा, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं लिखवाएगा। ये सारी आशंकाएं राहु के कारण इन राशियों को हो रही है। दोबारा रिपीट करता हूं, मेष, सिंह, धनु और स्वयं मीन, और उसके बाद कन्या भी है क्योंकि कन्या के सप्तम पर है 180 डिग्री पर। आप ये समझिए इस प्रकार की शंकाएं करता है राहु। क्या? एक व्यक्ति ऐसे हिला रहा हाथ, उसे पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोले हम बंदरों को चने खिला रहे हैं। कि बंदर तो यहां है नहीं। बोले चने ही कहां है, हम तो सिर्फ हाथ हिला रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार ना तो चने हैं और ना बंदर है, ना तो समस्या है और ना आपको कोई कष्ट दे रहा है, लेकिन ये चार राशि पांच व्यर्थ की आशंकाओं से युक्त है क्योंकि मीन और कन्या तो खास तौर से इस बात के लिए अब परेशान है क्योंकि उनको अपने जीवन साथी के प्रति आशंका उत्पन्न हो रही है। कहीं ये दूसरे के साथ तो अटैच्ड नहीं है, तो बिना बात की जो आशंका, जिनकी कोई जड़ नहीं है, इसलिए हिंदी में बता रहा हूं निर्मूल आशंकाएं, यानी के अंग्रेजी में इसको एंग्जाइटी भी कह सकते हैं। समस्या नहीं है लेकिन हम बना रहे हैं जबरदस्ती कि हाँ ऐसा हो सकता है। व्यर्थ की आशंकाओं का नाम ही राहु की गोचर दशा या उसका इफेक्ट, राहु के बिहेवियर पैटर्न हैंगे अगर इस तरह की बात हो रही है तो। ये बात इस गंभीरता को कोई नहीं बताएगा। राहु का काम है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। उसके अलावा राहु क्या है? राहु ही भ्रम है, आशंका है, और निर्मूल आशंका के साथ साथ वो व्यक्ति को व्यर्थ ही डराता है। वो कह नहीं रहा कि तुम डरो, तुम स्वयं ही अपने बात खुद बुनते हो और खुद ही आंसर देने लगते हो अपने आप को कि हाँ बस अब तो मेरा बुरा होगा। और इसके अलावा नई चीज क्या है, अपने आप बीमारी भी पैदा करते हो। बहुत फोन आते हैं, बोले कहीं बहुत लोग पूछते हैं मेरे को कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मेरे को HIV तो नहीं हो जाएगा, मुझे पेट का रोग तो नहीं हो जाएगा कहीं। छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ी बनाते हैं और जब टेस्ट कराने जाते हैं सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे बात को, जिन्होंने अपना लिपिड प्रोफाइल या ब्लड टेस्ट कराया या जो भी मेडिकल चेकअप कराया,
फिर वहां से जो रिपोर्ट आती है बोले तो निगेटिव है, बीमारी तो है ही नहीं। बाद में पता चला क्या है, बहम है। बहम का इलाज, भ्रम का इलाज, शंका का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। 80% तो हम अंधेरे में जी रहे हैं। इसके अलावा जिस भाव में राहु रहता है, गोचर में हो या जिसकी महादशा चल रही, जिस भाव में बैठा है उससे रिलेटेड चिंताएं कराता है। बिल्कुल साफ साफ प्रिडिक्शन बताया आपको, और अपने सूत्र कोई आदमी बताता नहीं है। इसलिए बताई कि लोक कल्याण और संसार में जो दुख भोग रहे हैं, व्यर्थ की आशंकाओं में जी रहे हैं, वो अपने कॉन्फिडेंस को ऊंचा उठाएं और डरना बंद करें। खास तौर से सिंह और धनु और मेष, कन्या, मीन वाले 12 राशियों को प्रभावित करता है राहु, लेकिन बुध और शुक्र की राशि में अच्छा फल देता है। मिथुन, वृषभ, तुला, कन्या उच्च का होगा कन्या राशि में। कई बार लगन में बैठे हुए राहु ही आपके भाग्य को बदलते हैं। 18 वर्ष में जमीन भी देगा, प्रॉपर्टी भी देगा, सरप्राइज जो आपने सोचा नहीं यार ये हो सकता है क्या मेरे साथ। लगन में राहु वाला व्यक्ति अप्रत्याशित काम करता है। खानदान में किसी ने अगर ऐसा काम नहीं किया होगा वो करके दिखाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चाहे जमीन खरीदना हो या प्रॉपर्टी, कोर्स करना हो या अच्छी मैरिज करनी हो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैसेज राहु ही दिलाता है। और मंगल की दशा में भी अच्छे फल देता है, लेकिन सप्तम भाव में जब फलित अगर करेंगे हम तो सप्तम भाव को कलुषित कर देता है। क्या है, तुला राशि का सप्तम भाव, वृषभ राशि और वृषभ लगन का सप्तम भाव, मंगल की राशि, अगर वहां राहु बैठता है तो राहु को दोष मत दो, वो तो डिप्लोमेटिक काम करेगा। जीवन साथी बहुत कलाकार होगा, लेकिन आप ये देखिए वहां पर मंगल है तो मंगल के जो स्वभाव है वो जीवन साथी के अंदर कूट कूट कर भरे होंगे, क्योंकि उसका स्वभाव है गर्म है, उष्ण है, उग्र स्वभाव है। तो राहु को दोष मत दो इस मामले में, क्योंकि राहु क्या करता है, अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता और खास तौर से बैक रेट्रोग्रेड चलता है। और लगन में अगर बैठा है और लग्नेश मजबूत है तो चंद्रमा हो चाहे सूर्य हो चाहे लग्न मजबूत हो, उस समय राहु अपनी पोजीशन में, लगन में, गोचर में, महादशा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट देता है। खास तौर से तीसरे छठे एकादश भाव, दशम और लग्न में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल देता है। जिन जिन का होगा वो अपने से रिलेट करके, देख करके, समझ करके इसके प्रभाव को समझें। अब राहु के जो दुष्प्रभाव जो झेल रहे हैं उनके लिए, चीटी जो होती है, चीटियां, चीटियों का जो कलर है ब्राउन कलर, वो राहु से मैच खाता है। चीटी कभी अदृश्य हो जाती है, कभी छुप जाती है, और उनको चीनी या आटा, ब्राउन आटे को भी ब्राउन कीजिए, ब्राउन शब्द, ब्राउन चीटी, ब्राउन कलर राहु, ब्राउन आटा और उसमें थोड़ी शर्करा, शर्करा शब्द मीठा, कोई सा मीठा हो ये आपके ऊपर निर्भर है, उसका पाउडर करके किसी वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे, पीपलिका रहती है इसलिए। और राहु क्या है, राहु की छल कपट की जो माया है, उसका दंभ है, उसका अहंकार और मायावी डिप्लोमेसी, उसको शांत करने का सबसे अच्छा तरीका पीपल के वृक्ष के नीचे ये आटा जरूर रखें, मिष्ठान जो ब्राउन कलर का चीनी डालकर बनाया हुआ है। कुछ लोग ब्राउन कलर का नारियल, अंदर का जो गिरी है, गोला है, उसको काट करके उसमें भर करके वहां पीपल के वृक्ष के नीचे रखते हैं, चाहे गाड़ो धरती में, चाहे वहां लटकाओ कील से गाड़ करके, और ब्राउन कलर का ही कंबल या आपका वस्त्र, आपका जूता, स्वेटर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करेंगे तो राहु के जो दुष्प्रभाव हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।